गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मेरा ऐसा मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग में अगर किसी पूरे डायरेक्ट सेलिंग को अगर एक लाइन में दर्शाया जाए तो ये कुछ नहीं है, बस आप अपनी स्टोरी लिख रहे हो। जिस पिक्चर के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव है, बहुत सारी फाइटिंग है, बहुत सारा विरोध है, हीरो और हीरोइन होते हैं और हीरोइन को पाने के लिए हीरो खूब मेहनत करता है, कभी सेक्रीफाइस करता है, हजारों गुंडे से वो लड़ता है, और गुंडा भी अगर सामने पावरफुल हो तो काम करने का मज़ा और आता है और मूवी जो है वो और ऊपर उठ के आती है। अगर विलन बहुत भारी भारी है, हीरो भी दो चार हो भारी भारी, तो पिक्चर और उबर के आती है। ठीक उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा है कि जब आप स्ट्रगल करते हो, आपकी कोई सुनता नहीं है, आपको लगता है ये बिजनेस नहीं चलेगा, हजारों फाइट चलती है और ये फाइट किसी और से नहीं दोस्तों, खुद से लड़नी पड़ती है। आप खुद से हजारों बार मन में नेगेटिव विचारों के साथ फाइट करके आप एक अच्छी स्टोरी लिख रहे हो। फिर लास्ट में जब आप सफल हो जाते हो तो स्टेज से जब भी आपका सेमिनार रखा जाएगा तो सेमिनार के अंदर आपको बस अपनी जो आपने किया है वो आपको वहाँ पे बताना है कि मैंने ये किया था, मैंने वो किया, लेकिन आज मैंने वो चैलेंजेस को पार किया। जब वो हजारों चैलेंजेस को आपने पार किया तो आपकी स्टोरी में इतना दर्द है, बताने को इतना कुछ है कि घंटों लग जाता है, एक घंटा, दो घंटा, पाँच घंटा, दस घंटा, बीस घंटा, आपके पास बताने को इतना सारा मसाला होना चाहिए कि आप घंटों स्टेज से बोल सको और लोग ऐसी स्टोरी को पसंद करते हैं। बस यही है डायरेक्ट सेलिंग कि सबसे पहले आपको एक शानदार स्टोरी बनानी है जिस स्टोरी में खूब ज़बरदस्त दर्द है, और दुनिया जब अपने, क्योंकि दर्द को मारने की दवा भी दर्द ही होती है। जब दुनिया को पता, किसी को लगता है कि मेरे पास 100 का दर्द है, लेकिन वो जो देखते हैं कि तुम्हारी स्टोरी में तो 1000 का दर्द है लेकिन फिर भी आप कामयाब हो गए, तो वो आपकी स्टोरी को लाइक करते हैं और अपनी स्टोरी भूल के वो इंस्पायर होते हैं और वो आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग कुछ भी नहीं है, बस अपनी स्टोरी लिख रहे हो आप, और उस स्टोरी में बहुत कुछ होना चाहिए, इसलिए आप बस चलते जाए। आपको लग रहा है कि आपको डाउन फील हो रहा है, नेगेटिविटी आ रही है आपके दिमाग में, तो ये एक बिजनेस का स्वाभाविक नेचर है, ये तो आएगा। आप बिजनेस करोगे, ये चीज़ें जो आपके मन में अभी जो उथल पाथल हो रहा है वो आपको तब भी आएगा जब आप बिजनेस में हो, और नहीं हो तब भी आता है। तो ये तो मन का स्वभाव है, आता आएगा जाएगा, लेकिन आपको बस हर हालत में खड़े रहना है, हर हालत का सामना करना है और रास्ता निकालने वाला व्यक्ति बनना है। रास्तों को, उन चीज़ों को लेके आप पकड़ के बैठ मत जाओ कि ये चीज़ें हैं तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता। आप बस रास्ता निकालो। आप स्टेज से बोल सकते हो कि मेरे पास कुछ भी साधन नहीं था लेकिन मैंने शेर के साथ भिड़ गया और मैंने एक लकड़े से शेर को मार गिराया, तो एक स्टोरी है। और एक आप बोलोगे कि मैं बंदूक लेके गया और बस मैंने एक गोली मारी, शेर मर गया, तो उस स्टोरी को शायद लोग पसंद ना करें। हाँ, लेकिन ये स्टोरी बनाने समय जब आप लकड़े से शेर के साथ लड़ाई कर रहे हो तो ये कोई छोटी बात नहीं है। एक लकड़े से शेर को हराने के लिए बहुत सारा जिगर और ट्रिक और बहुत कुछ चाहिए, लेकिन जब आप लकड़े से शेर को हरा देते हो तो ये स्टोरी वजन पकड़ती है। ठीक उसी तरीके से आपके साथ बहुत कुछ हो सकता है, और उन विपरीत परिस्थितियों में जब आप उठ खड़ेने का फैसला करते हो तो ये चीज़ें आपको एक अच्छी वजनदार स्टोरी बनाती है, और आप सही मायने में अंदर के अंदर से आपका बहुत ही रॉक सॉलिड डेवलपमेंट होगा। और यही एक बड़े एक महान लीडर की एक करेक्टरिस्टिक होता है। आज हमारे जो भी नेता है, फॉर एग्जांपल नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी आज इतना पावरफुल इसलिए है क्योंकि वो बचपन से 40 साल से बस यही करता आया है। वो लड़ाई करता है, मतलब कि उसके ऑपोजिशन में बहुत लोग हैं। मेरे को लग रहा है कि आप सबसे बड़े हीरो तब बनते हो जब बहुत सारे आपको एक बड़ा हीरो बनाने का जो है, मेरा ऐसा मानना है कि एक भारी ऑपोजिशन ही आपको एक बढ़िया विलन ही मौका देता है आपको एक बढ़िया हीरो बनने का। अगर आप चुन्नू मुन्नू विलन के साथ फाइट करते हो बड़े होके भी, तो आपकी इज्जत डाउन होती है। कितना बड़ा हाथी होके भी एक चींटी से फाइट कर रहा है तो आपकी इज्जत डाउन होती है, लेकिन जब आप चिड़िया होके बाज से फाइट करते हो तो ये एक लीडरशिप दर्शाता है और ये एक पावरफुल निशानी, और ये स्टोरी वजन वाली बनती है। तो आपको भी हमेशा हमसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ों के साथ, नामुमकिन चीज़ों के साथ फाइट करके उन चीज़ों को हराना है जो नामुमकिन सी दिख रही है, लेकिन आपने करके दिखाया। एक छोटी सी टीम के साथ बहुत ज़्यादा ग्रोथ निकाल दिया, या दुनिया मानती है कि ये कुछ नहीं कर पाएगा लेकिन आपने इसको हीरो बना डाला, तो ये सब चीज़ें ही आपको एक भारी स्टोरी बनाने में मदद करेगा। लास्ट में जीवन भर तुम्हें यही स्टोरी बेचनी है।
बस इसी का दाम है, यही डायरेक्ट सेलिंग है।